So, hey boys and girls, and welcome back again with the new video. And guys, मेरे पिछले वीडियो के अंदर मैंने कहा था मुझे कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक सजेस्ट करो जो कि आपने किए हैं, एंड उनमें से एक टॉपिक जो कि मुझे सबसे अच्छा लगा उसके बारे में आज के अंदर हम बात करने वाले हैं, जो कि गाइज आपको पता होगा वर्ल्ड कोरियन सीरीज की फाइनल बैटल जो कि एफ वर्सेस लियोन के बीच में होने वाली है। यह स्टार्टिंग से ही कन्फर्म था, लेकिन ये ओपनिंग सॉन्ग के अंदर उन्होंने कन्फर्म कर दिया। लेकिन गाइज ये जो एफ वर्सेस लियोन की फाइनल बैटल होगी उसके अंदर ऐश अगर जीतता है तो उसके बाद ऐश क्या करेगा, ऐश के साथ क्या क्या होगा, इसके बारे में आज के अंदर बात करेंगे। और उसके साथ साथ एक और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि है गाइस, अगर ऐश वर्ल्ड कोरोनेशन सीरीज के फाइनल लियोन से हारता है तो ऐश के साथ उसके बाद क्या होगा। दोनों टॉपिक्स के ऊपर हम आज के अंदर हम बात करने वाले हैं। एंड एक बात मैं पहले कंफर्म कर देता हूं, ये जो भी दोनों जो है थियरीज है, ये दोनों जस्ट थियरी है जो कि मेरा ओपिनियन है पर्सनली, ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं है या फिर उन्होंने कुछ लीक वीक अपडेट दिया नहीं है, ये जस्ट एक, तो इसके ऊपर आपको कितना भरोसा रखना है पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। बिकॉज मेरी थियरीज वीडियो ज्यादातर छूटी ही होती है, मतलब जो कि मेरा पर्सनल ओपिनियन होता है वो उनमें से कुछ चीजें सच भी होती है, तो ये पूरा आपके ऊपर है, आपको कितना उनके ऊपर डिपेंड रहना है। एक और बात है, अगर आपको कुछ अगर आपको मेरे साथ आर्ग्यूमेंट्स करनी है, यानी कि अगर आपके पास कुछ थियरीज है तो कमेंट के अंदर प्रॉपर पूरे की पूरी अच्छी तरह से कमेंट कर देना, बिकॉज मैं कमेंट्स पढ़ता हूं यार, कुछ बंदे लिटरली काफी ज्यादा सही थियरीज बनाते हैं यार, मैं भी सोचता हूं यार ये बंदे आते कहाँ से, लेकिन हाँ मतलब इसका मतलब ये नहीं यार, मैं पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ उन कमेंट्स की, भाई बंदे सच में कमेंट्स के अंदर पूरा लिख देते हैं यार, कितने मेहनत करते हैं, तो भाई थैंक यू जो कि ऐसा कमेंट करते हैं। अगर आपको कुछ आर्ग्यूमेंट्स है तो कमेंट्स के अंदर प्रॉपर लिखा करो ताकि मैं उन्हें मतलब जो है पूरा पढ़ सकूँ, अगर कुछ अच्छी होते तो मैं उन्हें पिन भी कर देता हूँ। ओके, सो गाइज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट विल हैपन इफ ऐश लॉस्ट इन फाइनल, यानी कि क्या होगा अगर ऐश फाइनल हार जाए लियोन से, तो इसके बारे में। सो गाइस अगर ऐश हारा एंड लियोन जीता तो गाइस एकदम सिंपल इक्वेशन है, इसका आंसर है जेन 9 मींस पैलिया रीजन। सो गाइस पैलिया रीजन यानी कि जेन 9 अनाउंस हो चुका है, तो गाइस ऐश वही करेगा जो कि अब तक वो करता आ रहा है, ऐश हारने के बाद वो अगले जर्नी पे निकल जाता है, एंड गाइस ऐश भी वही करेगा। लेकिन गाइस हमें ये बताने की अगली जर्नी यानी कि पैलिया रीजन में एक्जैक्टली कैसा सिस्टम होगा, यानी कि गाइस वो 8 जिम वाला सिस्टम होगा या फिर वर्ल्ड कोरोनेशन सीरीज जैसा कुछ अलग सिस्टम होगा, ये कंफर्म नहीं है, इसलिए गाइस ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। लेकिन गाइस अगर पैलिया रीजन में कुछ ही सिस्टम है, बिकॉज के हमने ट्रेलर देखा है जिसके अंदर कुछ एकेडमी या फिर कुछ हाई स्कूल टाइप देखने को मिल रहा है हमें, तो ये कुछ अलग ही सिस्टम है, इसके ऊपर मैं गाइस बात नहीं करूंगा बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। सो गाइस अब बात कर लेते हैं व्हाट इफ ऐश विन फाइनल, यानी कि क्या होगा अगर ऐश वर्ल्ड कोरोनेशन सीरीज की फाइनल बैटल जीत जाता लियोन से, तो उसके बाद ऐश क्या करेगा। सो गाइस बेसिकली सबसे पहले ऐश नया चैंपियन बन जाएगा, एंड उसके ऊपर में भी बहुत सारी जिम्मेदारी यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, बिकॉज गाइस आपको पता ही होगा चैंपियन को हमेशा चैलेंज के लिए तैयार रहना पड़ता है। हमने देखा गाइस लियोन को, लियोन गाइस हर बार किसी ना किसी से बैटल करता रहता है, चाहे वो ब्लेन हो, रायन हो, लैंस हो, मतलब यार और भी बहुत सारे चैलेंज किया था लियोन ने, लेकिन वो हमें देखने को नहीं मिले, बेसिकली ऑफ स्क्रीन थे। यही गाइस रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंड गाइस ऐश अगर ऐश का जो गोल है वो है पोकेमोन मास्टर बनना, मे बी ऐश जीतेगा, चैंपियन बनेगा, साथ ही साथ गाइस वो पैलिया रीजन में भी जा सकता है। लेकिन गाइस फिर चैंपियन के जो कि पोस्ट है उसका क्या, अगर ऐश पैलिया रीजन में जाएगा तो वो चैंपियन कौन बनेगा, जो ज्वाइन उसको मतलब चैंपियन को हमेशा जो बैटल्स करनी पड़ती है उसके टाइटल को बचाए रखने के लिए, एंड अगर ऐश पैलिया रीजन में चला जाएगा तो उसका क्या होगा, तो ये कुछ स्टोरी मैच नहीं हो रही शायद से, मे बी ये भी हो सकता है ऐश अगर चैंपियन बनने के बाद ही पैलिया रीजन में जाए जहाँ पे उसे और भी चैलेंजेस करने पड़ेंगे। लेकिन गाइस ये जो है मैं कुछ इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज गाइस पैलिया रीजन में क्या होगा एग्जैक्टली हमें कुछ भी पता नहीं है, तो हम कुछ भी जो है स्टोरी नहीं लगा सकते, इसके आगे क्या होगा वो पता नहीं। लेकिन ऐश हारा, नए रीजन में गया, फिर से नई जर्नी, तो ये इक्वेशन काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाता है, तो मे बी अगर ऐश हारता है तो उसके लिए ज़्यादा चीज़ें सिंपल हो जाएगी और हमारे समझने के लिए भी ऐश रीजन हारेगा, उसके बाद वापस उसकी न्यू जर्नी शुरू हो जाएगी। तो आपके क्या ओपिनियंस से यार, आपको क्या लगता है ऐश जीतेगा या फिर ऐश हारेगा, या फिर ऐश अगर जीतता है तो उसके बाद ऐश पहले रीजन में क्या करेगा, अगर ऐश हारता है तो उसके बाद ऐश अगर हारता है तो उसके बाद भी वो पहले रीजन में क्या करेगा। भाई बोलने में कतई मिस्टेक हो रही है, बिकॉज इस बैकग्राउंड में बहुत ही ज़्यादा नॉइसेस है, पूरे वीडियो में आपको कुछ जगह पर बैकग्राउंड नॉइसेस आई होंगी, तो प्लीज़ उन्हें इग्नोर कर देगा, मतलब प्लीज़ इग्नोर कर देना, बिकॉज यहाँ पर जो है मैं जहाँ पर रहता हूँ गाइज मेरी अपार्टमेंट के सामने वाले जो अपार्टमेंट है गाइज वहाँ पर कतई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है पिछले 2 महीने से, तो मेरा सर पूरा पक चुका है फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, सो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, बट आपके ओपिनियंस मुझे कमेंट्स के अंदर बता देना। एंड गाइज आपके पास अगर कुछ टॉपिक्स है तो मुझे सजेस्ट कर सकते हो, एंड वीडियो को लास्ट में जो पॉकेट क्विज है उसका आंसर कमेंट्स के अंदर डाल देना। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मतलब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।